No. आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है कि डॉक्यूमेंट को रिव्यू किस तरह से करते हैं, उसकी टेक्निक हमारे पास कौन सी अवेलेबल है। इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें एक प्रॉपर एक टूल बार एक एक्सिस्ट करती है रिव्यू के हेडिंग के तौर पे, जिसमें सिर्फ रिव्यू के टूल्स मौजूद होते हैं सारे के सारे। इनमें से हम जो है मुख्तसर तारफ़ सबका देख लेते हैं कि जैसे ये एक डॉक्यूमेंट है, ये रिव्यू करने के लिए सबमिट हुआ है, तो इसमें हम स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे जो है हमारे पास एक मुकम्मल रिजल्ट आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी गलतियाँ हैं और क्या चीज़ है। इसको हम सेल प्रोटेक्शन जो है उसको जो रिमूव करना है, इसमें डैश जो है वो दिखा रहा है कि यहाँ पे ये इजाफी है, तो इसको रिमूव किया जाए। इसी तरह डिफाइन के लिए है कि आपके पास क्या, आपको कोई पता नहीं है एग्जैक्टली कि किसी वर्ड का क्या मीनिंग है, तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कोई ऐसा वर्ड इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी ने सबमिट करवा दिया आपको जो आपके लिए नया है, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट ठीक है या नहीं। उसके बाद इजारस में आप जो है ना वो कोई अगर आपको अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिल रहा वहाँ पे कोई सिनोनिम्स टाइप, तो आप उसको पुट करना चाहते हैं या उसका सेंटेंस में इस्तेमाल किस तरह से होगा, उसके लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वो कभी कभी कोई रिक्वायरमेंट आई होती है कि ये असाइनमेंट क्या है, ये प्रोजेक्ट या डॉक्यूमेंट जो है ये इतने वर्ड से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो उसकी लिमिट को चेक करने के लिए कॉन्स्टेंटली कि आप उस लिमिट में हैं या नहीं, आप यहाँ से वर्ड काउंट पर जा सकते हैं। उसके बाद ये ट्रांसलेट अगर कोई करना हो किसी और लैंग्वेज से कोई आप चीज़ ले रहे हैं वहाँ से, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी लैंग्वेजेस जो हैं उनको प्रूफ रीड करने के लिए आप यहाँ से ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ट्रांसलेट करने के लिए और ये लैंग्वेजेस को प्रूफ रीड करने के लिए। ये कमेंट्स वगैरह अगर आपने इस तरह से कोई कमेंट्स ऐड करने हैं कि ये जो चीज़ है या ये डॉक्यूमेंट है ये ज़रूरी था नहीं था, या लाइन ज़रूरी थी नहीं थी, एज अ कमेंट आप यहाँ पर अपना कोई बात बताना चाहते हैं, तो वो यहाँ से न्यू कमेंट में ऐड करके आप यहाँ बता सकते हैं। मसलन यहाँ पे अगर बताना है तो आप इस पर सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू कमेंट आ जाएगा, और आप जो भी टाइप करना चाहें तो वो आप टाइप यहाँ पे कर देंगे तो वो एज अ कमेंट जो है कंसीडर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस कमेंट पे जा सकते हैं, और पूरी असाइनमेंट के अंदर जितने भी रिव्यू होने के बाद कमेंट्स आए हैं वो यहाँ पे क्लिक करके सारे के सारे इस तरह एक नई टैब में कमेंट्स शो होना शुरू हो जाएंगे। ट्रैक चेंजेस में ये होता है कि अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं तो क्लिक करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी चेंज करेंगे वो ट्रैक होता जाएगा। जैसे ये इसको अगर हम ये करते हैं तो यहाँ पर ट्रैक हो गया कि पहले ये वर्ड था, इसकी जगह पर किसी ने ये काम किया है। और अगर आप के टीचर जो हैं वो आपको या जो भी असेसर है आपका असेस करके डॉक्यूमेंट को रिव्यू करके इस तरह गलतियाँ निकाल देता है और आप उन सबको देखते हैं और पढ़ने के बाद चाहते हैं कि ये सारी की सारी मैं एक्सेप्ट कर लूँ, या एक एक करके आप उन्हें देख के और एक्सेप्ट करके अलाउ करना चाहते हैं कि ये जो गलती है ये मैंने एक्सेप्ट करनी है या नहीं, तो फिर जो है ना वो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे उन तमाम गलतियों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इसे यहाँ से रिमूव करें और इसे रहने दें फिर से ब्लैक करें, तो इसकी बजाय आप यहाँ से गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे तो उसी फॉर्मेट में फैल जाएंगी। और किसी भी गलती को आप यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट पर भी आप जा सकते हैं। तो ये बेसिक टूल्स हैं जो रिव्यू के अंदर आपको बताना ज़रूरी था एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए। ये टूल्स जनरली इस्तेमाल होते हैं और इनको इस्तेमाल करते हुए आप जो डिजिटली एक जो डॉक्यूमेंट का रिव्यू प्रोसेस है उसको मुकम्मल कर सकते हैं दूर बैठे हुए। इस तरह से सारे के सारे आपके कमेंट्स और चीज़ें जो है ना वो ऐड हो जाएंगी, जो भी चेंज आप लाना चाहें डॉक्यूमेंट में वो सारे का सारा चेंज जो है वो रिकॉर्ड रहेगा, और फिर उस रिकॉर्डिटी को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट, वो फिर यहाँ से आपकी अपनी ऑप्शन होगी कि आप उसे क्या करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Wherever I go, wherever I see, I'll remember you, if you remember me.